इस समय देश भारत की गद्दी पर आपके अकर्मण्यता की वजह से, आपकी जातिवाद की वजह से, आपके निठल्ले होने की वजह से देश पर जो शासक बैठे हैं वो जालिम हैं, उनका न्यायिक चरित्र नहीं है, रक्त पुत्र ज्यादा पैदा किए हैं। अगर तुमने विचार पुत्र पैदा कर दिए होते तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती, क्योंकि हम लोग कोई गरीब लोग नहीं है, छोटे लोग नहीं है, अछूत लोग नहीं है, इस देश भारत के पुराने राजा महाराजा राजा महाराजा इसलिए लड़ रहे हैं। आवाज करना चाहता हूं कि जब ज्योतिबा राव फुले हमारे लिए लड़ रहे थे, स्कूल बना रहे थे, उस तरह शासक जालिम नहीं था। याद रखना, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब हमारे लिए लड़ रहे थे तो शासक जालिम नहीं था। इस समय देश भारत की गद्दी पर आपके अकर्मण्यता की वजह से, आपकी जातिवाद की वजह से, आपके निठल्ले होने की वजह से देश पर जो शासक बैठे हैं वो जालिम हैं, उनका न्यायिक चरित्र नहीं है, इसलिए आपकी एक भी आवाज को वो सुन नहीं रहे। इसलिए मैं आज पूरे देश से आह्वान करता हूं, सभी जिंदा लोगों से, अंबेडकरवादियों से, मानवतावादियों से, संविधानवादियों से, कि और इससे खराब वक्त नहीं आएगा जितना खराब वक्त चल रहा है, और इसको सुधारने का एक ही तरीका है कि जिनकी संख्या कम थी उन्होंने सिस्टम बनाया और सिस्टम बना के देश पर कब्जा कर लिया। आप बहुत संख्यक हो, इतनी संख्या आपकी है, लेकिन कोई सिस्टम नहीं बन पा रहा है। लेकिन फिर भी 100 में 2-4 जिंदा लोग हैं जो लगे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। ये बहुजन महापुरुषों का आंदोलन चल रहा है। हम लोगों को डराया जा रहा है कि 2025 में संविधान खत्म हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। मैं भी ये घोषणा करता हूं, आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, जिंदा जागरूक लोगों से, कि 2025 तक 25 करोड़ लोगों को बौद्ध बना दीजिए, हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। कभी ये कहेंगे नहीं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये SC OBC माइनॉरिटी का देश है, ये बहुत संख्यक लोगों का देश है। हम लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, लोगों के बीच में नहीं जा रहे हैं, कैडर खत्म कर दिया। जो लोग सक्षम और मजबूत हो गए घरों में मजे काट रहे हैं। सही बात तो ये है कि जो बेचारा चाहे यूट्यूबर के तौर पर, चाहे काम करने के तौर पर, आज जो काम कर रहा है वो साधन विहीन व्यक्ति है, और जिनके पास साधन है वो कह रहा जातिवाद है ही नहीं, वो कह रहा छुआछूत है ही नहीं, और कोठियों में बैठ करके मजे काट रहा है। इसलिए मैं चाह रहा हूं, भले ही हम साधन विहीन है, अगर हम मिलकर के काम करेंगे तो देश आजाद होगा, तीसरी आजादी भी मिलेगी, संविधान भी बचेगा, और हक अधिकार भी हमारे मिलेंगे। एक बात अंत में भगवान बुद्ध की कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बुद्ध ने कहा था, 2 तरह के पुत्र होते हैं, एक होता है विचार पुत्र और एक होता है रक्त पुत्र। बहुजन समाज के लोगों, मैं मानता हूं आपने पुत्रों को जन्म दिया है, लेकिन तुमने रक्त पुत्र ज्यादा पैदा किए हैं। अगर तुमने विचार पुत्र पैदा कर दिए होते तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। आज देश में जो समाज का काम कर रहे हैं, धर्म का कार्य कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे राजेंद्र पाल गौतम हो, चाहे भंते सुमित रतन हो, चाहे सुजीत सम्राट हो, चाहे राहुल नागपाल हो, चाहे शशि भूषण हो, ये विचार पुत्र हैं तुम्हारे, ये विचार पुत्र हैं तुम्हारे। घर से निकलते हैं ये जीवन रूपी कफन डालकर निकलते हैं, कभी भी हमें कोई मार सकता है ये हम जानते हैं, फिर भी हम लड़ रहे हैं। इसलिए क्योंकि हम लोग कोई गरीब लोग नहीं है, छोटे लोग नहीं है, अछूत लोग नहीं है, इस देश भारत के पुराने राजा महाराजा राजा महाराजा इसलिए लड़ रहे हैं, और अपने पुरखों के देश को बचाएंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे, और देश को बौद्धमय बनाएंगे, और इन जालिमों से भी लड़ेंगे जो हमें अछूत, नीच और छोटा कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इंकलाब जिंदाबाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय संविधान। जय समर भारत। धन्यवाद।